केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। किसान ने इस योजना में लाभ पाने के लिए अब तक ईकेवाईसी कराने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि जो भी किसान अब तक अपनी ईकेवाईसी नहीं करा पाए हैं वो अब 31 अगस्त तक करा सकेंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यों करानी है ईकेवाईसी। ईकेवाईसी के बाद ही आएगी 12वीं किश्त। केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचाने के लिए ईकेवाईसी कराने का फैसला किया है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपने ईकेवाईसी नहीं कराई है तो आने वाली 12वीं किश्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। ऐसे में पीएम किसान के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। इसे आप पीएम किसान के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने मोबाइल ओटीपी के जरिए करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी भी करा सकते हैं, इसके लिए आपको सीएससी सेंटर जाना होगा। ऐसे करा सकते हैं घर बैठे ईकेवाईसी। सबसे पहले पीएम किसान की आधारित वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। इसके बाद फॉर्मर कॉर्नर में ईकेवाईसी पर जाएं। ईकेवाईसी पर क्लिक करने पर आपको आधार कार्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपकी ईकेवाईसी पूरी हो जाएगी। कब मिलेगी 12वीं किश्त? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर में सरकार पीएम किसान योजना की अगली किश्त जारी कर सकती है। फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना सरकार की ओर से नहीं दी गई है। पिछली बार सरकार ने 31 मई 2022 को 10 करोड़ किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे। बता दें कि सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर साल पात्र किसानों को 3 किस्तों में 6000 रुपए ट्रांसफर करती है। ये हर 4 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। तो ये थी पीएम किसान योजना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।